मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धर्माचार्यों से संवाद। सभी धर्म प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत संवाद कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कलेक्ट्रेट से सीएम की वीसी से जुड़े जयपुर शहर के सभी धर्मों के धर्मगुरु, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, गलता पीठ के अवधेशाचार्य, इसी के साथ अल्पसंख्यक आयोग के खानू खान बुधवाली और अमीन पाठक पठान भी मौजूद है। 8 जून से धार्मिक स्थल प्रदेश में खुल सकते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य शर्तों के साथ में ये धार्मिक स्थल खुल सकते हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर इस बैठक में फिलहाल चर्चा जारी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, धर्माचार्यों के साथ में बैठक कल पुलिस महकमे के साथ हुई, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री समाज के सभी प्रतिनिधियों को यहां पर साथ में लेकर कोशिश कर रहे हैं उन साथ में वार्ता करने की। 8 जून को जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की बात चल रही है, वो महत्वपूर्ण बिंदु रह सकता है। इसके अलावा क्या जानकारी है आपके पास? देखिए जीती, देशभर में लॉकडाउन 5.0 जारी है, लेकिन इसको अनलॉक 1 के तौर पर भी देखा जा रहा है। धीरे धीरे तमाम जो रोजगार के जो है उनको खोला जा रहा है, इंडस्ट्री को खोला जा रहा है, छूट दी जा रही है कि स्थिति सामान्य हो, क्योंकि लोगों को जागरूक कर दिया गया है और अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पे लाया जाए। लेकिन हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी लॉकडाउन 5.0 को लेकर, उसमें 8 जून से मंदिर जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने की इजाजत दी थी, परमिशन दी थी, उसी को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत संवाद कर रहे हैं। तमाम जो धर्म गुरु है सभी धर्मों के, उनसे वीसी के जरिए संवाद कर रहे हैं और प्रदेश के सभी जिलों से वो वहाँ के जो धार्मिक गुरु है, जो बड़े बड़े जो मंदिर है, वहाँ के जो महंत है, वो सीएम अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो आप क्या राय रखते हैं, क्या 8 जून से मंदिर मस्जिद और जो धार्मिक स्थल है उनको खोलना चाहिए, अगर हम खोलते हैं तो किस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी होगी, हम किन चीजों का ध्यान रखें, उन सब चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। धर्मगुरुओं से सीएम अशोक गहलोत संवाद कर रहे हैं। उससे पहले जब ये वीसी शुरू हुई तो जो मेडिकल के एसी हैं सर रोहित कुमार सिंह, उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को मौजूदा जो हालात है कोरोना के उनको लेकर जानकारी दी कि भले ही हमारी यहाँ पर जो जो मृत्यु दर है कम है और हमारी जो रिकवरी रेट है